आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। पेट्रोलियम आयात पर नियंत्रण और प्रदूषण की गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य है, लेकिन एथेनॉल उत्पादन की राह में घरेलू तेल कंपनियां ही रोड़ा बनने लगी हैं। एथेनॉल उत्पादन में अहम भूमिका निभा रहे चीनी उद्योग ने पेट्रोलियम कंपनियों के इस रुख से परेशान होकर सरकार से मौजूदा व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने की गुहार लगाई है। एथेनॉल उत्पादन में 75% से अधिक की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की है। इसके बावजूद एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के मामले में कंपनियों ने इन तीनों प्रमुख राज्यों को मात्र 4% का आवंटन किया है। दरअसल तेल कंपनियां गन्ना व शीरा से एथेनॉल उत्पादन को हतोत्साहित कर रही हैं। इसे लेकर इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्मा ने उपभोक्ता मामले व खाद्य सचिव को पत्र लिखकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। एथेनॉल उत्पादक कंपनियों को तेल कंपनियों की ओर से खरीद की गारंटी में अनदेखी का भी सामना करना पड़ रहा है। इस्मा ने अपने पत्र में कहा है कि तेल कंपनियों ने कुल 684.5 करोड़ लीटर अतिरिक्त एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य दिया है, जिसमें प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों को मात्र 4% का आवंटन है। चीनी उद्योग ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि गन्ना व शीरा से बनने वाले एथेनॉल के नए संयंत्रों के आवेदन को हतोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2025 का लक्ष्य हासिल करने के लिए 1500 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन क्षमता स्थापित करनी होगी। इससे पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। चीनी उद्योग का दावा है कि इतनी मात्रा में एथेनॉल उत्पादन करने के लिए गन्ना व शीरा की हिस्सेदारी 760 करोड़ लीटर पर पहुंचानी होगी। इसके बावजूद गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्यों को तेल कंपनियों की ओर से नज़रअंदाज करना एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की योजना की रफ्तार को रोक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।